पूरे देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है और इसे लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में भी जहां तक बात करें जून के आखिरी हफ्तों में तो रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हो रहा था, लेकिन जुलाई में बीते कुछ दिनों की अगर आंकड़ों की बात करें तो वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो कम हुई है तुलनात्मक तौर पर। और इस समय एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हम मौजूद हैं जहाँ पर लोगों की लंबी कतारें आप देख सकते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का ये स्कूल है जहाँ पर कोवैक्सीन लगाई जा रही है, और दिल्ली में लगातार ये बात कही जा रही है कि कोवैक्सीन की डोजेस कम है, जिसके चलते सरकार ने काफ़ी समय तक जून के बाद अगर बात करें तो जून से ही सेकेंड डोज कोवैक्सीन की नहीं निकली। यहाँ पर आप ये जो दो कतारें देख रहे हैं तो ये कतार जो है ये उन लोगों की है जो वॉक इन करके वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, यानी अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये इस तरफ जो कतार आप देखेंगे ये उन लोगों की है जो अपॉइंटमेंट लेकर वैक्सीनेशन कराने पहुँचे हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर अभी तक इस सेंटर पर वैक्सीन पहुँची नहीं है। सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमें दी जा रही है उसके मुताबिक अभी वैक्सीन पहुंच नहीं पाई है और लोग अभी यहां पर इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ एक लोग जो अपना स्लॉट्स बुक करा के आए हैं उनसे भी बात करते हैं। सर आपका कितने बजे का स्लॉट बुक था? 9 से 11। एक बार अपनी आपका फर्स्ट डोज है या सेकंड डोज है मेरा? सेकंड डोज है। तो ये अच्छा, तो ये देखिए ये इनका स्लॉट है जो दिखा रहा है 9 से 11 का समय है जो स्लॉट बुकिंग, क्योंकि अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लोग अपनी सुविधा के हिसाब से स्लॉट बुक करा कर आते हैं। और अभी इनको सेकंड डोज लगाया जाना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या जानकारी दे रहे हैं अभी तो 9 बजे से ज़्यादा का वक्त, आधा घंटे का वेटिंग लिस्ट बोल रहा है, आधा घंटा और बोल रहे हैं कि इंतजार करना पड़ेगा। मतलब 9 से 11 का आपने टाइम लिया, तो अपनी सुविधा के हिसाब से के अनुसार हम यहाँ पर आए थे कि ये टाइम पर हमारा डोज लग जाएगा, यहाँ पर फ्री होकर और कुछ काम कर सकें हम लोग, तो इसीलिए हम यहाँ पर जल्दी टाइम पर आए थे। तो अभी आपको करीब आधा घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है? आधा घंटा मैडम यहाँ पर हो गया हम लोग को, और करीब आधा घंटा और टाइम लगेगा, अभी डॉक्टर साहब नहीं आए बोलने अभी। अच्छा, आप भी मैम साथ में, आप लोग साथ में जल्दी सुबह लगवा कर जाना चाह रहे हैं? हाँ, तो वही टाइम के हमने कहा टाइम पे हो जाए तो अपना और काम देख के आएंगे फिर। हाँ जी मैम। तो यहाँ कितनी जल्दी पहुँच गए? अभी हो गया, 1.5 घंटा होने वाला है हमें भी। हाँ जी, लेकिन अभी तक लगी नहीं है अभी। यहाँ पर आप देखेंगे मैम आपका कितने बजे का स्लॉट बुक था? 9 से 11। क्या जानकारी दी जा रही है अभी? हाँ, तो ये जानकारी दी जा रही है कि लग जाएगी, अभी तो बहुत टाइम हो गया, बहुत देर से आई हुए हैं हम भी और अभी तक तो लगी नहीं, कह रहे डॉक्टर साहब नहीं आए अभी, तो वेट पे ही खड़े हैं कि लग जाए। तो फर्स्ट डोज जब लगवाने आए थे तब भी इतना इंतजार करना पड़ा अभी मैम? अच्छा, आपका फर्स्ट? यस। आप एक बार अपना क्या अपॉइंटमेंट स्लिप दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली में कहा जा रहा है कि अभी फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की नहीं लग रही है। मैम नहीं लग रही, बट बुक तो हो रहे हैं मैम, फर्स्ट डोज मैंने बुक करा है, अपॉइंटमेंट जी। अच्छा, देखिए फर्स्ट डोज इनका यहाँ पर दिखा रहा है डोज 1, और स्लॉट का समय भी 9 से 11 इन्होंने स्लॉट का समय बुक किया था, और डोज जो है पहली दिखा रहा है। कुछ एक जगह पर ये स्लॉट्स जो हैं वो निकले हैं कोवैक्सीन के, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक जो वैक्सीनेशन है वो फिलहाल शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी वैक्सीन पहुंची नहीं यहाँ पर। अभी कितना समय लगेगा वैक्सीन, क्या पहुंची नहीं है मैम? 10 से 15 मिनट बस एम्बुलेंस वैक्सीन आएगी, वैक्सीन आने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, हाँ। वैसे कितने बजे से शुरू हो जाता है? ऐसे तो हमेशा 9:15 बजे से शुरू हो जाती है वैक्सीनेशन यहाँ पर, बट आज थोड़ा लेट हो गया, कल का सेशन क्योंकि कैंसिल हो गया था और आज का सेशन है, तो अभी टाइम लगेगा। एम्बुलेंस जैसी आएगी वैक्सीन लेके आएंगे, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर कोवैक्सीन का कौन सा डोज लगाया जा रहा है? मैम अभी जो हमें अपडेट मिली है वो ये है कि सेकंड डोज ही लगेगा, बाकी सर कह रहे हैं कि एक बार सिस्टम में देख के हम अभी बता देंगे, फर्स्ट भी लग सकती है जब स्लॉट बुक किए जा रहे हैं तो। अच्छा, मतलब कुछ लोग फर्स्ट स्लॉट जो बुक करके आए हैं अभी जानकारी नहीं है आप लोगों को कि उनको लगेगी? हाँ जी, जैसे ही हमें अभी थोड़ी देर में अपडेट मिलेगी हम आपको बता देंगे कि सेकंड फर्स्ट भी लगेगी या नहीं लगेगी। अच्छा, और आमतौर पे कितने बजे से शुरू कर देते हैं आप लोग यहाँ? 9:15 के बीच हो जाती है एक्चुअली, आज एम्बुलेंस भी लेट है उसी से आती है वैक्सीन, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। पर देखिए अभी वैक्सीन पहुंची नहीं है, आमतौर पर कह रहे हैं 9:15 तक शुरू हो जाता है। कुछ लोग ये वॉक इन करने वाले, आप लोग सीधे वैक्सीन लगवाने आए जी? पहला डोज है, दूसरा डोज? पहला डोज है। तो कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ? हम सुबह 7 बजे आए थे। अच्छा, हाँ जी। सुबह सुबह क्या सोच के आए थे कि जल्दी हो जाएगी वैक्सीन, नंबर जल्दी लगे तो जल्दी लग जाएगी? हाँ जी। आपको नंबर मिला है या कुछ टोकन वगैरह मिला? नहीं, लाइन में नंबर नहीं मिला।
तक शुरू नहीं हुआ है, अभी कितनी देर और बता रहे हैं आपको लगे? 9:30 बजे तक बताते हैं, 9:15, अभी तो टाइम लगे अभी। हाँ, उससे भी काफी ज्यादा समय हो चुका है जी। यहाँ पर लोग आप देखेंगे, ये जो लंबी कतार आप देख रहे हैं, ये सब वॉक इन करने वाले लोग हैं। अब इसको लेकर असमंजस है, ये जो फर्स्ट डोज लगवाने वाले आ रहे हैं वॉक इन के लिए, इनको क्या करेंगे आप लोग? मैम ये कोविशील्ड वाले आ रहे हैं, कोविशील्ड आज है ही नहीं हमारे यहाँ पे, क्या तो कोवैक्सीन, कोवैक्सीन है। यहाँ पर कई देखिए, ये जानकारी का कुछ अभाव है, कई लोग ऐसे हैं अभी तक तो स्टाफ को भी ठीक से पता नहीं है कि यहाँ पर सेकंड डोज फर्स्ट डोज लगनी है या नहीं लगनी है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो वॉक इन कर रहे हैं पहली डोज लगवाने के लिए। आपका क्या नाम है? मनीराम। कौन सी डोज लगवानी है? पहली। पहली डोज लगवानी है, तो यहाँ पर क्या बताने लगेगी? बता तो रहे। कितने बजे से आए हैं सुबह से? अभी करीब 9 बजे से मैं आया। 9 बजे से आए हैं, और अभी कितनी देर लगेगी इसके बारे में जानकारी नहीं? नहीं, अभी जानकारी नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं आपको दिखेंगे फर्स्ट डोज लगवाने वाले। अब देखिए वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो धीमी है, ये कहा जा रहा है वैक्सीनेशन कम हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन की सप्लाई जो है उसको लेकर लगातार दिक्कत जो है वो बनी हुई है। दिल्ली में अभी तक सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि कोवैक्सीन की सप्लाई काफ़ी इरेगुलर है, जिसकी वजह से अभी तक सेकेंड डोज ही लगाए जा रहे थे। हालांकि कुछ एक लोग हमें यहाँ पर ऐसे मिले जो अपॉइंटमेंट लेकर फर्स्ट डोज का भी आए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन यहाँ पर अभी तक शुरू नहीं हो पाया। जो स्टाफ है उनका कहना है कि उनको जो जानकारी दी गई थी वो सेकेंड डोज के लिए ही दी गई थी, लेकिन अभी ये देखा जाएगा सिस्टम में कि क्या फर्स्ट डोज के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक किए गए हैं और फर्स्ट डोज वालों को भी लगवाई जाएगी कोवैक्सीन या नहीं। लेकिन इस तमाम जो अव्यवस्था है वो सामने ज़रूर निकल कर आती है कि किस तरह से मिसकम्युनिकेशन इसको कहेंगे कि लोगों को ठीक से जानकारी नहीं है या स्टाफ को ठीक से जानकारी नहीं है। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल ये है वो ये कि अभी काफ़ी समय बीत चुका है, कई लोग जो सुबह का स्लॉट बुक करा कर आते हैं अपने स्लॉट अपने तय समय के हिसाब से, उनके सामने परेशानी है कि काफ़ी देर से खड़े हैं लेकिन अभी तक इस सेंटर पर वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया। कैमरा पर्सन मोहित कैशले के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।